और लड़का स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में, नई टेक्नोलॉजी। चलिए आज की टेक्नोलॉजी को हम शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों बाद खबरें लेके आया हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी खबरें लेके आया हूँ। चलिए फटाफट से आज की हम टेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली खबर हम बात करते हैं वो है ट्विटर की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका है, जो भी लोगों के पास ब्लू टिक था वो जा चुका है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी XYZ छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी मतलब समझ सकते हो कोई भी स्टार जो उनके पास ब्लू टिक था वो जा चुके हैं। जी हाँ, लेकिन फिलहाल जो है जो भी लोगों ने पेमेंट कर दिए उनको वापस कर दिया गया है, जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी है उनको वापस नहीं दिया गया है। तो ये था कुछ ट्विटर की तरफ से, ब्लू टिक की तरफ से खबर, तो जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो है वीवो की तरफ से। वीवो ने काफ़ी अपने जो मल्टीपल डिवाइसेज हैं उनको लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, सबसे पहले है वीवो का वीवो पैड 2। जी हाँ, जिसके अंदर आपको डायमेंसिटी 9000 आपको मिलता है और 10000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, तो ये था वीवो पैड 2। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो है वीवो की तरफ से, वीवो एक्स फोल्ड। जी हाँ, फोल्ड वाला फ़ोन भी वीवो ने अभी जो बना दिया है। 6.5 inch की जो कवर्ड डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलती है और अंदर आपको मिलने वाला है उसका कुछ अभी पता नहीं है। जैसे वो आता है, कोई अगली खबर आती है मैं आपको बताऊँगा। अगली खबर की बात करते हैं जो कि है वीवो की तरफ से ही, वीवो का एक्स फ्लिप। जी हाँ, वीवो ने इस बार काफ़ी अच्छे खासे मोबाइल्स को लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छे खासे जो प्रोग्रेस है उस पर गया, प्लस पॉइंट पे गया। तो इसके अंदर भी याद एमोलेड स्क्रीन और 8 Gen 2 का प्रोसेसर मिलने वाला है 6.4 inches की, जो कि फ्लिप में होने वाला है। तो अगली करते हैं, अगली खबर जो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का F54। जी हाँ, F54 जो लेस्ट हुआ है ऑनलाइन, इसके अंदर आपको फुल HD+ स्क्रीन मिलने वाली है जो कि 6.7 inches की होने वाली है। एक्सनोस 1313 प्रोसेसर होने वाला है। जी हाँ, हो सकता है कि थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, लेकिन अभी जो लीक्स निकले हैं वो इसी के आधारित पे हैं। Exynos 1330 मेरे साथ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेहतर रहता है। अगली खबर जो कि है पोको की तरफ से, पोको F5। जी हाँ, 30000 के अंदर ये मोबाइल जो लिस्ट हुआ है और इसकी प्राइस और जो स्पेसिफिकेशन वो पीछे वाले जो मोबाइल आए थे अभी उनके कॉपी है। किसकी कॉपी है वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये था वीवो का F5। अभी इनके इतने मोबाइल्स हैं X5 पता नहीं क्या सिमिलर से नाम। और जो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का टैब S9+। जी हाँ, ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, अभी फिलहाल इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक नहीं हुए, Geekbench पे इसको जो है लिस्ट किया गया। तो फिलहाल तो गाइस टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी वो आप सिंपली कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ मिलती रहती हैं।